our students, good morning to all of you। मैं आज फिर आपके सामने शब्द विचार भाग दो लेकर आया हूँ। इसका पहले आपने भाग वन में शब्द की परिभाषा को जाना था, शब्द को कितने आधारों पर बांटा गया है वो भी पढ़े थे। अब हम इस भाग में पढ़ेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर तथा रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। भाग वन में आपने देखा था कि शब्द को चार आधारों पर बांटा गया है। पहला है अर्थ के आधार पर, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, चौथा है रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। जिसमें अर्थ के आधार पर और रचना या बनावट के आधार पर आप देख चुके हैं और पढ़ भी चुके हैं। इसके बाद है तीसरा, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर से हम समझ सकते हैं, इसका नाम से ही समझ सकते हैं कि उत्पत्ति या स्रोत। तो उत्पत्ति का मतलब होता है कि जहाँ से जिस चीज़ का निर्माण होना, जहाँ से जिस चीज़ का निर्माण होना उसे कहते हैं उत्पत्ति। तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के पांच भेद हैं। पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज, पांचवा है संकर। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहला तत्सम। तो तत्सम की परिभाषा है संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे शब्द हिंदी में ऐसे हैं जो कि संस्कृत से लिए गए हैं। जो शब्द संस्कृत में थे वही शब्द हूबहू उसी को उठाकर हिंदी में ले लिया गया है, उसके रूप में परिवर्तन नहीं किया गया है। तो संस्कृत का जो शब्द है और हूबहू उसी शब्द को हिंदी में जब हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे सूर्य, सूर्य आपका संस्कृत का शब्द है लेकिन हम सूर्य शब्द का हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन इसे हम यूज करते हैं, इसी भाषा को हम, इसी शब्द को हम हिंदी में भी यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि सूर्य तत्सम शब्द है। जल, जल संस्कृत का शब्द है लेकिन जल का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जल तत्सम शब्द है। वायु, वायु मीन्स हवा, तो वायु संस्कृत शब्द है लेकिन वायु का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। उसी तरह अग्नि संस्कृत शब्द है, अग्नि का प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। दिवस संस्कृत शब्द है, गिरी संस्कृत शब्द है लेकिन इनका प्रयोग हम हिंदी में भी करते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संस्कृत शब्द का प्रयोग हम हिंदी में हूबहू करते हैं, हिंदी में हम हूबहू लिखते हैं और उसका प्रयोग हूबहू करते हैं, तो उसे हम तत्सम कह सकते हैं। उसके बाद है तद्भव। संस्कृत के वे शब्द जिनका रूप हिंदी में आने पर बदल गया है किंतु अर्थ नहीं बदला है, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। अब देखिए, तद्भव शब्द वह शब्द है जो कि संस्कृत से लिए गए हैं, संस्कृत से लिए गए हैं लेकिन हिंदी में आने पर उनका रूप बदल गया है, लेकिन उनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
अर्थ सेम रह गया है, किंतु उनका जो रूप है, जो शब्द का रूप है, वो अलग हो गया है। जैसे कि देख सकते हैं सूरज, देखिए सूर्य, सूर्य संस्कृत का शब्द है, लेकिन जब हम हिंदी में हमको लिखने होता सूर्य, तो सूर्य नहीं लिख के हम कहीं पे लिखते हैं सूरज। तो सूर्य और सूरज का अर्थ तो एक ही हुआ, सेम हुआ, अर्थ में कोई अंतर नहीं हुआ, लेकिन संस्कृत में हम लिखते हैं सूर्य और जब हिंदी में हम अलग से लिखते हैं तो लिखते हैं सूरज। तो सूरज को हम तद्भव कह सकते हैं क्योंकि संस्कृत से लिया गया है, लेकिन इसका रूप अलग करके लिखते हैं। उसके बाद पानी, अब देखिए संस्कृत में हम जल लिखते हैं और तद्भव में हिंदी में पानी लिखते हैं, तो पानी तद्भव है। संस्कृत में हम वायु लिखते हैं कि हिंदी में हम हवा लिखते हैं, तो हवा तद्भव है। संस्कृत में अग्नि लिखते हैं, हिंदी में आग लिखते हैं, आग तद्भव है। संस्कृत में दिवस लिखते हैं, लेकिन हिंदी में दिन लिखते हैं, तो दिन तद्भव है। गृह संस्कृत शब्द है, लेकिन घर हिंदी शब्द है, तद्भव है। अब देखिए तत्सम और तद्भव में अंतर आपको अच्छी तरह समझा रहे हैं कि अगर हम हिंदी में प्रयोग करेंगे सूर्य का, जल का, वायु का, अग्नि का, दिवस का, गृह का, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर हम इन जो तत्सम शब्द है, अगर जो हम हिंदी में लिखते हैं, हिंदी में हम कहीं पे हिंदी लिख रहे हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, वहाँ पर हम सूर्य लिखें या जल लिखते हैं या वायु लिखते हैं या अग्नि लिखते हैं या दिवस लिखते हैं या गृह लिखते हैं, तो इसे ही तत्सम कहा जाता है। और जब हम हिंदी भाषा में सूर्य की जगह सूरज लिखते हैं, जल की जगह पानी लिखते हैं, वायु की जगह हवा लिखते हैं, अग्नि की जगह आग लिखते हैं, दिवस की जगह दिन लिखते हैं और गृह की जगह घर लिखते हैं, तो ये सारे हिंदी के शब्द हैं जो कि तद्भव कहलाता है। इन दोनों में सिर्फ यही अंतर है कि अगर हम हूबहू हिंदी में संस्कृत शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो तत्सम है, और हम जब संस्कृत के शब्द का बिगड़ा रूप का प्रयोग करते हैं तो उसे तद्भव कहेंगे। तीसरा है देशज शब्द। देशज का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो हमारे देश के अंदर कही, जो हमारे आसपास का स्थानीय बोलियों से, जो हमारी भाषा से, आपकी भाषा से, हमारे आसपास के पड़ोस की भाषा से जो शब्द लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जो शब्द हमारे आसपास के स्थानीय बोलियों से लिए गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश के अंदर ही किसी भी जिला से, किसी भी राज्य से, किसी भी शहर से कोई भाषा, कोई शब्द जब हिंदी में ले लिया गया है तो उसे ही हम कह सकते हैं कि यह देशज शब्द है। जैसे में ईंट, रोड़ा, पत्थर, पगड़ी, लोटा, खिचड़ी इत्यादि, ये सारे जो शब्द हैं, ये सारे शब्द हमारे भारतीय ही हैं, इंडियन ही हैं, और हमारे आसपास के बोलियों से ही लिए गए हैं, इसलिए ये सारे शब्द देशज शब्द हैं। विदेशज शब्द, विदेशज ये आप समझ सकते हैं, जो कि विदेशज नाम से ही मालूम होता है कि जो शब्द विदेश से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसा स्टेशन अंग्रेजी शब्द है, मशीन अंग्रेजी शब्द है जो कि अंग्रेजी भाषा विदेश का है, मकान, कमीज तुर्की शब्द है, मकान भी विदेशी भाषा है, स्कूल अंग्रेजी भाषा है, कचहरी विदेशी भाषा है। बहुत सारे ये समझते होंगे कि मकान, कमीज, स्कूल, कचहरी ये सारे जो है
ये हिंदी की भाषा है जी, नहीं ये सारे हिंदी की भाषा नहीं हैं, इनमें से कोई तुर्की भाषा है, तो कोई अरबी भाषा है, तो कोई अलग भाषा है। तो हम कह सकते हैं कि जो शब्द विदेश से लिए गए हैं उसे विदेशा शब्द कहते हैं। संकर, दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। यहाँ दो भाषाओं का मतलब है कि कोई भी दो भाषा, या तो हिंदी हो या अंग्रेजी हो, या अंग्रेजी हो या उर्दू हो, या हिंदी हो या संस्कृत हो, मतलब कोई भी दो भाषा मिलकर जब एक नए भाषा का निर्माण करते हैं, एक अलग भाषा, एक जब सॉरी कहने का मतलब ये यह है कि जब दो भाषाओं के शब्द मिलकर एक अलग शब्द बनाते हैं तो उसे कहते हैं संकर शब्द। संकर शब्द का मतलब ये होता है मिश्रण, मिश्रित, जो कि मिलाकर बनाए गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि दो भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बनाए गए शब्दों को संकर शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी, यहाँ पर देखिए रेल अंग्रेजी शब्द है और गाड़ी हिंदी शब्द है, तो यहाँ पर एक अंग्रेजी शब्द और एक हिंदी शब्द दोनों को मिलाकर बनाया गया है, तो बना है रेलगाड़ी। तो हम कह सकते हैं कि रेलगाड़ी संकर शब्द है। टिकट घर, यहाँ पर टिकट अंग्रेजी शब्द है, घर हिंदी शब्द है, तो हम कह सकते हैं कि टिकट घर दो भाषाओं के मिलने से बना है, तो यह संकर शब्द है। ऑपरेशन कक्ष, यहाँ पर ऑपरेशन अंग्रेजी शब्द है, कक्ष संस्कृत शब्द है, तो हम कह सकते हैं कि यह शब्द दो भाषा के मिलने से बना है, तो ये संकर शब्द है। उसके बाद हम आते हैं आपका रूपांतर या प्रयोग के आधार पर। रूपांतर का मतलब हुआ कि जिसका रूप बदलता है रूप के अनुसार। तो रूपांतर या प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद हैं, पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, काल, कारक इत्यादि के अनुसार बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, देखिए लड़का का रूप है जो कि चेंज होता रहता है, अगर जिसका लिंग चेंज करते हैं तो लड़की होता है, वचन चेंज करते हैं तो लड़के होता है, और कारक अनुसार लड़कों होता है। रात का भी उसी तरह, कहीं पर रातें लिखते हैं तो कहीं पर रातों लिखते हैं। मुझे का भी बहुवचन हमें होता है, अच्छा का लिंग चेंज करते हैं तो अच्छी होता है, बहुवचन में अच्छे होता है, काला का लिंग चेंज करते हैं तो काली होता है, काले होता है, वह का वे होता है इत्यादि। तो ये सभी शब्दों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि जिस शब्द का अनेकों रूप होता है, जिन शब्दों को हम अनेकों रूप में लिख सकते हैं उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। उसके बाद है अविकारी शब्द, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते हैं। सिंपल सी बात है, जिन शब्दों के रूप कभी नहीं बदलते हैं उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिदिन, यहाँ, वहाँ, क्योंकि, भरपेट, किंतु, और, लेकिन, मगर इत्यादि। सिंपल सी बात याद रखिए, इनका रूप कभी नहीं बदलता है। प्रतिदिन इनका रूप कहीं आप देखे हैं चेंज होते हुए, या तो लिंग के अनुसार चेंज हो या तो वचन के अनुसार चेंज हो? नहीं, ये कहीं भी लिखाएंगे तो इसी रूप में लिखे जाते हैं। यहाँ, यहाँ का रूप कहीं आप देखें चेंज होते हुए, यहीं यहूँ कहीं पर देखें? नहीं, यह शब्द जहाँ भी लिखा जाएगा तो इसी रूप में लिखा जाएगा। वहाँ का भी रूप चेंज नहीं होता, क्यों का भी रूप चेंज नहीं होता, भरपेट का भी रूप चेंज नहीं होता, किंतु और लेकिन मगर इन सारे जो शब्द हैं इनका रूप चेंज नहीं होता है। इनके साथ ये कहीं भी आ जाए, किसी वचन में आ जाए, किसी लिंग में आ जाए, किसी कारक के साथ आ जाए, तो इनका रूप चेंज नहीं होता है।
इनका बस एक ही रूप है जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जिन शब्दों का रूप चेंज नहीं होता है उन्हें हम अविकारी शब्द कहते हैं। नोट में देख लीजिए कि जो आप जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं, इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया है। आप जानते हैं कि शब्द 8 प्रकार के होते हैं, पहला संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध बोधक, सातवां समुच्चय बोधक एवं आठवां विस्मयादि बोध, जिसमें कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द हैं, क्योंकि इन चारों के रूप बदलते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चय बोधक एवं विस्मयादि बोधक अविकारी शब्द हैं, क्योंकि इनका रूप नहीं बदलता है, इनका रूप कभी नहीं बदलता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। लगभग शब्द विचार समाप्त हो चुका है, तब तक आप इसे अच्छी तरह फेयर कर लेंगे और याद भी कर लेंगे।